सो गाइस, अगर आपने एक न्यू YouTube चैनल स्टार्ट किया है और आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक न्यू चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज कैसे लाना है। साथ ही में मैं अपने भी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने अपने इस चैनल पे स्टार्टिंग में व्यूज कैसे लाए थे। तो इस वीडियो का एक स्टेप भी स्किप मत करना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही में गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले गाइज, एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर का यही ड्रीम होता है कि स्टार्टिंग से ही उसके वीडियोस पर ढेर सारे व्यूज आए, बट वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके व्यूज नहीं आते हैं। तो अब चलते हैं अपने पहले मेथड की तरफ जिससे कि आपके स्टार्टिंग में व्यूज आएंगे। वो मेथड है वॉच योर सेल्फ। गाइज, सबसे पहले अगर आपने एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और आपके जीरो सब्सक्राइबर है, तो आपको अपने वीडियोज खुद ही देखने होंगे। और मैंने भी सेम यही प्रोसेस किया है। ये एक सीक्रेट ट्रिक है, बट मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। जब आप अपने YouTube जर्नी स्टार्ट करते हो, आपके जीरो सब्सक्राइबर रहते हैं, तो आपके वीडियोस पर व्यूज कैसे आएंगे, इसके लिए आपको अपनी वीडियो की रीच और इंगेजमेंट बढ़ानी होगी, जिसके बाद YouTube खुद आपके वीडियोस को प्रमोट करता है। अब ये आप कैसे करोगे? इसके लिए गाइज, आप अपने फोन में या अपने फैमिली मेंबर के फोन में 4 से 5 जीमेल आईडी से YouTube अकाउंट बना लो और अपने चैनल के वीडियोस खुद देखो, बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक वॉच करो बिना स्किप किए। इससे आपकी वीडियोस की रीच और एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। एक अकाउंट से आप 10 बार देखो, 20 बार देखो, बट एक लिमिटेड टाइम इंटरवल में। अगर आप लगातार एक के बाद एक वीडियो को वॉच करोगे तो वो व्यू काउंट नहीं होगा और YouTube भी इसको फॉलो नहीं करता है, वो इसको इनवैलिड क्लिक मानता है। सो इसके लिए अगर आप एक वीडियो अभी देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो 10 मिनट के बाद, फिर नेक्स्ट वीडियो 30 मिनट के बाद देखोगे तो वो व्यू काउंट होगा और वो वैलिड भी होगा। अब खुद से देखने का क्या बेनिफिट है? तो इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, इसी YouTube को सॉफ्ट पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि हाँ, इस नए YouTube क्रिएटर का वीडियो इंगेजिंग है, लोग देख रहे हैं और लंबे समय तक देख रहे हैं। सो इससे YouTube आपके उस वीडियो को पॉपुलर YouTube क्रिएटर के रिकमेंडेशन में प्रमोट करता है, जिससे कि स्टार्टिंग में आपके वीडियोस पे बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर मेरी एक वीडियो चल रही है, बट आप देख रहे हो कि YouTube यहाँ पर एक न्यू YouTube क्रिएटर का सेम टॉपिक पर वीडियो प्रमोट कर रहा है, जिससे कि स्टार्टिंग में उसके व्यूज बढ़ रहे हैं। सो सेम यही ट्रिक मैंने अपने वीडियोज में स्टार्टिंग में यूज किया था, जिससे कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। सो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है ऑडियंस रिटेंशन। गाइस, सेकंड मेथड में आपको अपने स्टार्टिंग के वीडियोस का कंटेंट बहुत ही इंगेजिंग बनाना है। मींस आपके वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होना चाहिए। अब जितना ज़्यादा आपका ऑडियंस रिटेंशन होगा, उतना ही ज़्यादा आपका व्यूज़ बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टार्टिंग में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो 30 सेकेंड का, सो उस 30 सेकेंड की वीडियो को अगर कोई 15 सेकेंड के लिए भी देख लेता है तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी और आपको बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रहे हो 5 मिनट्स का, सो अगर उस वीडियो को कोई 2.5 मिनट भी देख लेता है, मींस आपके वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन 50% है, तो आपकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा YouTube प्रमोट करेगा, जिससे कि आपकी वीडियोस वायरल हो जाएगी और आपकी वीडियोस पर स्टार्टिंग में बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। अब आप अपने वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए गाइस, जैसे मैंने आपको पहले स्टेप में बताया, आपको अपने वीडियोज़ खुद ही देखने होंगे डिफरेंट फ़ोन से और वो भी बिल्कुल एंड तक देखने होंगे बिना स्किप किए। इससे YouTube को ये लगेगा कि हाँ, आपके वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन बहुत अच्छा है, जिसके बाद वो खुद आपके उस वीडियो को बहुत सारे नए ऑडियंस के पेज पे रिकमेंड करेगा और इसे अल्टीमेटली आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। अब एक मिस्टेक जो कि हर एक न्यू YouTube क्रिएटर करता है, वो अपने वीडियोस का लिंक इधर उधर शेयर करता है, लाइक कभी WhatsApp के स्टेटस पर, कभी Facebook पर, या फिर किसी पॉपुलर YouTube क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में। अगर आप अभी मेरे कमेंट्स को चेक करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे जहां पे लिखा होगा कि 100 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 करवा दो, और उसके बाद वो अपना YouTube वीडियो का लिंक पेस्ट कर देते हैं। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने वीडियोस का लिंक इधर उधर शेयर नहीं करना है। मैंने आज तक अपने वीडियोस को कहीं भी और कभी भी शेयर नहीं किया है। मैं अगर चाहता तो मेरे WhatsApp पे 1000 से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर मैं एक स्टेटस लगाता तो स्टार्टिंग में मेरे 1000 सब्सक्राइबर या 1000 व्यूज हो जाते, बट ऐसा मैंने नहीं किया। क्यों? इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने वीडियोस को इधर उधर शेयर करते तो हो सकता है कि उस पे आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या कमेंट पे ऑडियंस क्लिक करे, बट अगर वो उस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और ओपन करते ही 10 सेकंड में क्लोज कर देते हैं, तो उससे आपके वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन 0% हो जाएगा।
आपकी चैनल की रीच खत्म हो जाएगी, आपका चैनल फ्रीज हो जाएगा और आपको कभी भी व्यूज नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने अपने वीडियोस, अपने चैनल को कभी भी अपने व्हाट्सएप के फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स प्रोफेसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सो वो डिजिटल वर्ल्ड जैसे यूट्यूब इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो वो मेरे वीडियोज़ को नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने अपने वीडियोज़ को शेयर नहीं किया। बट अगर आप अपने वीडियोज़ को शेयर करना ही चाहते हो तो सिर्फ उन लोगों को ही करना जो कि आपके कॉन्टेंट में इंटरेस्टेड हो, मीन्स वो आपके वीडियोज़ को पूरा देखे, तभी करना। सो गाइज, अब चलते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ जो कि है गूगल एड्स। गाइज, गूगल एड्स ही ऐसा टूल है जो कि आपके न्यू चैनल को एक बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा सकता है, आपके वीडियोस पर स्टार्टिंग में व्यूज दिलवा सकता है। गूगल एड्स को पर्सनली मैंने भी स्टार्टिंग में यूज किया था, और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि गूगल एड्स एक पेड वर्जन है, मीन्स इसमें आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और गूगल एड्स से देखे गए वॉच टाइम आपके चैनल में काउंट नहीं होते हैं। तो अब गूगल एड्स का क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो को गूगल एड्स से प्रमोट करते हो, तो आपकी वो वीडियो एक नए ऑडियंस तक पहुँच गई, वो उस वीडियो को देखेगा। अगर आपने अपने कंटेंट से उसे इम्प्रेस कर लिया, मीन्स उसे आपका वीडियो पसंद आया, तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर कोई न्यू ऑडियंस आपके गूगल एड्स से प्रमोट की गई वीडियो को एक बार भी देख लेता है, सो उसके बाद यूट्यूब आपके और वीडियोज़ को उसे रिकमेंड करता है होम पेज पर, या फिर अगर कोई वो टॉपिक सर्च करता है तो सर्च रिजल्ट में टॉप पे रैंक करवाता है। और एक बार उसने आपकी वीडियोस देख ली और उसे आपका कंटेंट अच्छा लगा, तो वो आपकी और वीडियोस भी सर्च रिजल्ट से देखना चाहेगा। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्टार्टिंग में अपने चैनल पर 10 से 20 क्वालिटी वीडियोस अपलोड करने होंगे, जो कि एक ही नीश और कैटेगरी पे होने चाहिए। और फिर आपको अपने उन 10 से 20 वीडियो में जो बेस्ट वीडियो है उसको आपको गूगल एड्स से प्रमोट करवाना होगा, तभी आपको गूगल एड्स का रियल बेनिफिट मिलेगा। अब आप गूगल एड्स से कैसे अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो, उस पर भी मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखना, ऊपर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इससे आपके स्टार्टिंग में बहुत सारे व्यूज गेन हो जाएंगे। सो गाइस, ये थे 3 बेस्ट ट्रिक और स्ट्रेटेजी अपने चैनल पर स्टार्टिंग में व्यूज लाने के लिए, और पर्सनली इसे मैंने अपने चैनल पर यूज किया है और रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो। सो गाइस, सेम यही स्ट्रेटेजी आप अपने चैनल पे भी यूज़ कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अभी लाइक कर दो, और साथ ही में मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर दो। गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से चेक कर सकते हो। ज़रूर चेक करना और मुझे वहां पे फॉलो करना। सो गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।